खरगोन शहर में इन दिनों स्वच्छंद विचरण करने वाले श्वानों ने आतंक मचा रखा है। गुरुवार को कलाली कुआ क्षेत्र में शाम के समय एक श्वान ने बुजुर्ग महिला और पुरुष पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। अस्पताल में उपचाररत इंदिरा नगर निवासी सुमन कर्मा ने बताया कि वह सराफा बाजार से होकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान स्वच्छंद विचरण करने वाला श्वान दौड़ते हुए आया और सीधे उन पर हमला कर दिया। श्वान ने उनकी हथेली मुंह में दबा ली और जिससे सभी उंगलियां जख्मी हो गई। क्षेत्र के लोगों की मदद से वे अस्पताल पहुंचे। इसी तरह श्वान के हमले में घायल हुए नंदलाल ने बताया, उन्हें भी कलाली कुआ क्षेत्र में ही श्वान ने हमला कर घायल किया है। श्वान इस कदर पागल हो गया है कि वह हर आने जाने वाले पर हमला कर रहा है। अनम स्कूल के पास स्कूल से बच्ची को लेने आई अलविना को भी हाथ में काटा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कुत्ते ने काटा है? हाँ। कहाँ पर? कलाली कुएं के आगे। क्या कर रहे थे आप? अचानक आया और भीड़ गया मेरे ऊपर काटने, ऊपर चढ़ गए। कहाँ कहाँ काटा आपको? यहाँ काटा है, यहाँ अलग काटा, ऊपर चढ़ के। क्या काम करते हो तुम? होटल मजदूरी काटते। क्या नाम है आपका? नंदलाल। बताओ बच्चे तुमने में। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? आ रही थी घर, आ रहे थे शाम से। झंडा चौक पे ना? झंडा चौक पे किसी को हाथ भी नहीं लगाया मैंने। मैं तो आती थी। डॉक्टर का नंबर मुझे व्हाट्सएप कर जरा। क्या करूं बच्चे, उनको कहीं मैं मेरे कुत्ते को भी नहीं नाम दिया मैंने। कौन सा कुत्ता? काला काला कुत्ता था, उस पे टिकली लगी हुई है। उसको भी काटा थे ना वहाँ पे। मेरे सास काम से गए थे मार्केट में सराफा, उधर से आ रहे थे, साइड से आ रहे थे, तो उधर से कुत्ता है ना उनको उंगलियों को काट लिया। ऐसे उन्होंने 10-12 लोगों को काटा है, बोले छोटे छोटे बच्चों को भी काटा। उसी जगह पे काटा? उसी जगह से वो काटते काटता भागते भागते आ रहा था, सबको काट लिया उनको। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, ऐसी उंगलियां पूरी अलग हो गई। एक ही कुत्ते सबको काटा? सबको एक ही कुत्ते ने। काला कलर का है, सफेद धब्बे उस पे, बड़ा शेर जैसा है। स्कूल के बच्चे बता रहे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी है, आदमी को भी काटा है। जो भीन गए उनका नाम ही नहीं, उधर से काटते काटते आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा गायत्री कर्मा, इंदिरा नगर में रहती हूँ। ये मेरे सास है सुमन कर्मा। बच्ची करीबन 4:30 का वक्त था, तो इसके भाई को लेने गई थी स्कूल, और स्कूल से लेकर आ रही थी घर पर, तो इतने में अचानक एक कुत्ता आया काले कलर का, उसने बच्चे पे अटैक करा, छोटे बच्चे पे। तो ये बच्ची ने क्या करा, बच्चे को दूर धकेला अपने भाई को बचाने के लिए। तो जब इसने धकेला तो इसका हाथ उसके मुँह में चले गया और दोनों दांत गड़ चुके लेफ्ट हैंड के ऊपर, और कुत्ते ने मतलब काट लिया उसको आगे से भी और पीछे से भी, और काट के भाग गया। अब कहाँ ले गए थे बच्चे? सरकारी चिकित्सालय। इंजेक्शन? इंजेक्शन लगाए हैं और गोली दी बुखार की, और बोला कि नेक्स्ट टाइम आना। कार्रवाई चाहते हैं जी, कुत्तों ने आतंक मचा रखा? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं। देखो अभी हमारे बच्चे के साथ हुआ, नेक्स्ट टाइम दूसरे बच्चों के साथ भी होता है, मतलब कि बच्चे और भी हैं स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे वगैरह, तो इनके लिए कुछ नगर पालिका व्यवस्था करें। क्या नाम है आपका? बख्तावर अली, पठानवाड़ी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।